नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द विक्ट्री ज्ञान पर। दोस्तों आज आप सुनेंगे द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, 21वीं सदी का व्यवसाय बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। आइए ध्यान से इस ऑडियो बुक को सुनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए विक्ट्री ज्ञान के साथ। प्रस्तावना: अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और आपकी नौकरी संकट में है, बशर्ते आपकी नौकरी अब भी बची हुई हो। जरा ठहरें, क्या आपको पता है मैं यह बात बरसों से कह रहा हूँ। जब मैंने यह कहा था तो ज़्यादातर लोगों ने अनसुना कर दिया था। उनके कान तो तभी खुले जब इतना बड़ा आर्थिक संकट धमक कर उनके सामने खड़ा हो गया। बहरहाल यह पुस्तक इस बारे में नहीं है कि हर चीज़ ठेले पर सवार होकर रसातल में क्यों और कैसे चली गई। यह तो इस बारे में है कि यह बहुत बुरी खबर बहुत अच्छी खबर में कैसे बदल सकती है, बशर्ते आपको इसका तरीका मालूम हो। व्यवसाय के बारे में मैंने दो लोगों से सीखा, मेरे पिता जो एक अति शिक्षित और उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी थे, और मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता जिन्होंने 8वें ग्रेड में पढ़ाई छोड़ दी थी तथा जो बाद में अपने दम पर करोड़पति बने थे। मेरे असल पिता जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे और बरसों की कड़ी मेहनत के बावजूद अंतिम वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता अंततः हवाई के ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक के खिताब से भी नवाजा गया। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे जीवन में ऐसे अनुभव और मार्गदर्शक मिले जिन्होंने मुझे सच्ची दौलत बनाने का तरीका सिखाया। फलस्वरूप मुझे जल्दी ही रिटायर होने में कामयाबी मिली और दोबारा कभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। उस वक्त तक मैं अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा था, उसके बाद मैं आपका भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं सबसे प्रभावी और व्यवहारिक तरीके खोजने के प्रति समर्पित हूँ जिनसे लोग यह सीख सके कि सच्ची दौलत कैसे बनाई जा सकती है और 21वीं सदी में वे अपने जीवन का कायाकल्प कैसे कर सकते हैं। रिच डैड सीरीज की पुस्तकों के जरिए मेरे साझेदारों और मैंने कई प्रकार के निवेशों के बारे में लिखा है, लेकिन गहन शोध के इन वर्षों के दौरान मुझे एक खास बिजनेस मॉडल नज़र आया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुसंख्यक लोगों के सफल होने की सबसे ज़्यादा संभावना है और इसकी मदद से वे अपने आर्थिक जीवन भविष्य तथा भाग्य की बागडोर थाम सकते हैं। एक और बात, जब मैं सच्ची दौलत कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं है। धन पूरी दौलत नहीं है, यह तो इसका एक हिस्सा मात्र है। सच्ची दौलत का संबंध जितना पैसे बनाने से है उतना ही उस व्यक्ति से भी है जो पैसे बना रहा है। इस पुस्तक में यह बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की ज़रूरत क्यों है और आपको कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए, लेकिन मुद्दा आपके वर्तमान व्यवसाय या नौकरी को बदलना नहीं है। मुद्दा दरअसल यह भी है कि आप खुद को बदल लें। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका अपना आदर्श व्यवसाय खड़ा करने के लिए आवश्यक चीज़ें कैसे खोजें, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना भी विकास करना होगा। अध्याय 1, नियम बदल गए हैं। यह संकट का दौर है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में डर और दहशत का माहौल छाया हुआ है। यह अखबारों की सुर्खियों, संचालक मंडल की बैठकों और डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातों में साफ नज़र आता है। वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, छटनी, कर्ज न चुका पाने के कारण मकानों की नीलामी, सबप्राइम मर्गनेजेस, पोंजी स्कीम्स, शेयर बाजार के खपले, मंदी, एक के बाद एक बहुत सारी बुरी खबरें लगातार आती जा रही हैं। सन 2009 के शुरुआती महीनों में अमेरिकी कंपनियां हर महीने 2.5 लाख कर्मचारियों की छटनी कर रही थी। 2009 के अंत में जब मैं यह लिख रहा हूं, बेरोजगारी का आंकड़ा 10.2% पर पहुंच गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है। अल्प रोजगार, जिसमें आपकी नौकरी तो नहीं छूटती है लेकिन काम के घंटों और तनख्वाह में भारी कटौती कर दी जाती है, का हाल तो और भी बदतर है। अच्छे रोजगार का अभाव वह भयंकर महामारी है जिसमें बहुत कम लोग बच पाए हैं। एग्जीक्यूटिव हो या मध्यम श्रेणी के मैनेजर्स, प्रशासनिक कर्मचारी हो या श्रमिक, बैंकर्स हो या रिटेल क्लर्क,
सभी के सिर पर तलवार लटक रही है। नौकरियों के मामले में अब तक स्वास्थ्य सेवा उद्योग को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहां भी धड़ल्ले से कर्मचारियों की छटनी हो रही है। 2009 में यूएसए टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालात को वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। सन 2008 की शरद ऋतु में बहुत से लोगों के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का मूल्य अचानक आधा या इससे भी कम हो गया। जमीन जायदाद की कीमतें धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। जिन चीजों को लोग अपनी ठोस विश्वसनीय संपत्ति मान रहे थे, वे पानी की भाप जितनी ठोस निकली। नौकरी की सुरक्षा लुप्त हो गई है और इतिहास के गर्त में समा चुकी है। 2009 में यूएसए टुडे ने अमेरिकों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालात को वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। जाहिर है आप यह सब पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसे शायद आपने जानते हों। दरअसल इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ। निश्चित रूप से लोगों की नींद तभी टूटी जब भीषण आर्थिक संकट की वजह से उनकी आजीविका खतरे में पड़ी, लेकिन आपकी आमदनी रातों रात खतरे में नहीं पड़ी। यह तो हमेशा खतरे में थी। अधिकांश अमेरिकी आबादी बरसों से दिवालियेपन और तबाही के बीच की खाई में झूल रही थी। महीने का खर्च चलाने के लिए यह अगले 1-2 महीने की तनख्वाह के भरोसे बैठी थी। इसके पास नगद बजट का बड़ा कमजोर सहारा था, या ज्यादातर मामलों में सहारा था ही नहीं। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह को समय के बदले धन की अदला बदली कहा जाता है, और मंदी के दौर में यह आमदनी का सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त आमदनी बचती है जो आपके समय के बदले पैसे दे सके। मैंने आपको यह बता दिया था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने आपको यह सब पहले ही बता दिया था, लेकिन दरअसल मैंने आपको यह बता दिया था। मैं बरसों से यह कहता आ रहा हूँ, सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज अब नहीं बची है। अमेरिका का कंपनी जगत 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब अगर आप सचमुच सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो इसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लें। मैंने 2001 में अपनी पुस्तक द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइफ हेल्पिंग पीपल में लिखा था, मेरी राय में अमेरिका और कई बाहरी देशों में आर्थिक तबाही आ रही है, जिसका मूल कारण यह है कि हमारा शिक्षा तंत्र विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी आर्थिक शिक्षा देने में असफल रहा है। उसी वर्ष नाइटेंगल कंटेंट को दिए एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, यदि आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद करेंगे और आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप दरअसल अपने रिटायरमेंट को दांव पर लगा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और 85 साल की उम्र में आप इसे धड़ाम से औदे मुंह गिरते देखते हैं, तो क्या होगा? इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स बुरे होते हैं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि वे ना तो सुरक्षित होते हैं ना ही चतुराई भरे। मैं तो उनके चक्कर में अपना आर्थिक भविष्य कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। संसार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट को शेयर बाजार में दांव पर लगाया हो। यह सरासर पागलपन है। क्या आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मौजूद रहेगी? यदि आपको इस बात पर भरोसा है, तब तो शायद आप ईस्टर बनी पर भी भरोसा करते होंगे। और मार्च 2005 में दिए गए एक इंटरव्यू में मैंने यह कहा था, किसी कागजी संपत्ति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसे तुरंत भुनाया जा सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम सभी जानते कि शेयर बाजार एक बार फिर लुढ़कने वाला है, हम एक बार फिर तबाह होने वाले हैं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके बाद क्या हुआ? बाजार एक बार फिर लुढ़का और कई दोबारा तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें और मानसिकता नहीं बदली, हम जरा भी नहीं बदले। 1971 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने स्वर्ण मानदंड का पालन करना छोड़ दिया। कैसे यह संसद के अनुमोदन के बिना हुआ? लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि यह हो गया। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी बदौलत हम अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप सकते थे और उनका मूल्य किसी वास्तविक या ठोस संपत्ति पर आधारित नहीं रह गया था। वास्तविकता से पलायन करने की बदौलत इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक उछाल के द्वार खुल गए। इसके बाद लगभग 3.5 दशकों तक अमेरिकी मध्य वर्ग में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ,
जैसे जैसे डॉलर का अवमूल्यन हुआ और जमीन जायदाद तथा अन्य संपत्तियों के कागजी मूल्य में उछाल आया, साधारण लोग करोड़पति बनने लगे। अचानक कर्ज हर किसी को हर वक्त हर कहीं उपलब्ध होने लगा और क्रेडिट कार्ड्स कुछ उसी तरह पनपने लगे जिस तरह वसंत की बारिश के बाद कुकुरमुत्ते उगाते हैं। इन क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतारने के लिए अमेरिकी अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम की तरह करने लगे। वे कर्ज लेते थे और उसे उतारने के लिए अपने मकान को दोबारा फाइनेंस करवा लेते थे। आखिर जमीन जायदाद का मूल्य हमेशा बढ़ता है ना? कतई नहीं। 2007 तक हम इस आर्थिक गुब्बारे में इतनी सारी गर्म हवा भर चुके थे कि वह इससे ज़्यादा हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अर्थव्यवस्था दोबारा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेहमैन ब्रदर्स और बियर स्टर्न्स ही धराशायी हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने अपनी रिटायरमेंट योजनाएं, पेंशन और नौकरियां गंवा दी। आधिकारिक रूप से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। सन 1950 के दशक में जनरल मोटर्स अमेरिका का सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन था। उस वक्त अखबार वालों ने जीएम के प्रेसिडेंट के कथन को एक उदाहरण में बदल दिया जो दशकों तक लोकप्रिय रहा। जीएम जिधर जाएगा देश भी उधर ही जाएगा। देखिए मित्रों, यह शायद अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 2009 में जीएम दिवालिया हो गया और उसी साल गर्मियों में कैलिफोर्निया राज्य नगद पैसों के बजाय IOU के जरिए अपने बिलों का भुगतान कर रहा था। हाल फिलहाल अमेरिका में अपने घर के स्वामी लोगों का प्रतिशत घट रहा है। कर्ज न चुकाने के कारण बैंक जितने मकान नीलाम कर रहे हैं उतने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या घटती जा रही है। ज़्यादातर लोगों के बचत खाते में कुछ भी नहीं है और जिनके पास है उनके खातों का आकार छोटा हो गया है, जबकि पारिवारिक कर्ज बढ़ता जा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से तेजी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दिवालिया होने वाले लोगों की संख्या आसमान छू रही है और कई अमेरिकियों के पास रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, वे उसके आसपास भी नहीं है। क्या इन तमाम बुरी खबरों पर आपका ध्यान गया? यकीनन। और आप अकेले नहीं हैं। आखिरकार अमेरिकियों ने नींद की मदहोशी में अलार्म का स्नूज बटन दबाना छोड़ दिया है। बेहतरीन, अब आप जाग चुके हैं और आंखें खोलकर यह देख रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए आइए हम थोड़ी ज़्यादा गहरी नज़र डालकर देखें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। यह एक नई सदी है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सफलता का वही फॉर्मूला सिखाया जो शायद आपको भी सिखाया गया होगा। स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें सुरक्षित ऊंची तनख्वाह तथा अन्य लाभों वाली नौकरी मिल सके। इसके बाद तुम्हारी कंपनी तुम्हारी परवाह करेगी। लेकिन यह औद्योगिक युग की सोच थी और आजकल हम औद्योगिक युग में नहीं रहते हैं। आपकी कंपनी आपकी परवाह नहीं करेगी, सरकार आपकी परवाह नहीं करेगी, कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। यह नई सदी है और इसमें नियम बदल गए हैं। मेरे माता पिता नौकरी की सुरक्षा, कंपनी की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर पर भरोसा करते थे। ये सभी घिसे पिटे और पुरातनपंथी विचार हैं जो गुजरे जमाने के अवशेष हैं। आज नौकरी की सुरक्षा किसी मजाक से कम नहीं रह गई है। किसी एक कंपनी में जीवन भर नौकरी करने का विचार, जिसकी IBM ने अपने स्वर्णिम युग में पैरवी की थी, उतना ही पुरातन हो चुका है जितना कि टाइपराइटर। कई लोग अपनी रिटायरमेंट योजनाओं को सुरक्षित मानते थे। वे सोचते थे कि ब्लू चिप शेयरों और म्यूचुअल फंड्स पर आधारित इन योजनाओं में क्या गलत हो सकता था। लेकिन जैसा बाद में पता चला, इनमें सब कुछ गलत हो सकता था। पुराने जमाने की ये बूढ़ी गायें अब दुधारू नहीं रह गई हैं और इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वे सभी अब दकियानुसी हो चुकी हैं। पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट की सुरक्षा, ये सब औद्योगिक युग के विचार थे। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं, इसलिए अब हमें सूचना युग के विचारों के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। सौभाग्य से लोग सुनना और सीखना शुरू कर रहे हैं। वैसे यह बड़े अफसोस की बात है कि हम कष्ट और विपत्ति के बाद ही सबक सीख पाते हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि कम से कम अब लोग सबक सीख रहे हैं। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा संकट आकर खड़ा होता है, जैसे शेयर बाजार में .com कंपनियों का क्रैश, 9/11 के विपरीत आर्थिक दुष्प्रभाव, 2008 की वित्तीय दहशत और 2009 की मंदी, तभी लोगों को यह एहसास होता है कि सुरक्षा के पुराने साधन अब उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कंपनियों का मिथक अब खत्म हो चुका है। यदि आपने अपनी कंपनी में तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने में बरसों लगाए हैं तो क्या आपने
कभी ठहर कर इस बात पर गौर किया है कि आपको सामने कौन सा नज़ारा दिखता है? आप पूछते हैं कौन सा नज़ारा? अपने आगे वाले व्यक्ति का पिछवाड़ा, आपको बस वही नज़र आता है। अगर आप अपने बाकी जीवन में भी यही नज़ारा देखना चाहते हैं तो यह पुस्तक शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का पिछवाड़ा देखते देखते थक चुके हैं तो आगे भी पढ़ते रहिए। दोबारा मूर्ख न बने। यह लिखते समय भी बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। जब आप ये शब्द पढ़ रहे होंगे तब तक कौन जाने क्या हालत हो सकता है कि तब तक स्थिति बदल जाए। मूर्ख न बने। जब रोजगार उपलब्ध होने लगेंगे, जमीन जायदाद का मूल्य बढ़ने लगेगा और कर्ज दोबारा खुलकर मिलने लगेंगे, जो कभी न कभी अवश्य होगा, तो झूठी सुरक्षा के उसी पुराने लालच में न आए जिसकी वजह से आप और बाकी का संसार इस भंवर में फंसा था। 2008 की गर्मियों में गैस की कीमत $4 प्रति गैलन से अधिक थी। इस वजह से एसयूवी की बिक्री किसी चट्टान की तरह पानी में डूब गई और अचानक हर आदमी छोटी और हाइब्रिड कारों के गुण गाने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर जरा गौर करें। 2009 में गैस की कीमत दोबारा $2 से नीचे आ गई और भगवान उनका भला करे, लोग दोबारा एसयूवी खरीदने लगे। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि गैस की कीमत हमेशा इतनी ही कम रहेगी? अगर गैस इस वक्त सस्ती है तो क्या आपको गैस की ज़्यादा खपत वाली कारें खरीदना बेहतरीन लगता है? क्या हम सचमुच इतने अदूरदर्शी हो सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ भल मन साहत से काम ले रहा हूँ। दरअसल मैं मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करना चाहता था। दुर्भाग्य से इसका जवाब है हाँ। हम सिर्फ एक बार ही मूर्ख नहीं बनते, हम खुद को बार बार मूर्ख बनने देते हैं। बचपन में हम सभी ने चींटी और टिड्डे की कहानी पढ़ी, लेकिन इसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग टिड्डे जितने ही दूरदर्शिता से जी रहे हैं, अखबार की सुर्खियों की वजह से अपना ध्यान न भटकने दे। दुनिया में हमारे आसपास हमेशा किसी न किसी तरह का मूर्खतापूर्ण हल्ला मचता रहता है, जो जीवन को बेहतरीन बनाने के गंभीर काम से आपका ध्यान दूर खींचने की कोशिश करता है। यह केवल शोर शराबा है, चाहे आतंकवाद हो या मंदी या नवीनतम चुनाव चक्कर के स्कैंडल्स। इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सुखद भविष्य के सृजन के लिए आपको आज क्या करना चाहिए। महामंदी के दौर में भी बहुत से लोगों ने दौलत बनाई थी। दूसरी ओर सबसे बड़े उछाल के समय में, जैसे 1986 के रियल इस्टेट के उछाल के दौरान, भी करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने भविष्य की बागडोर नहीं थामी, जिन्होंने हर उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जो मैं इस पुस्तक में आपको बताने जा रहा हूँ। और वे लोग या तो परिस्थितियों से जूझते रहे या फिर दिवालिया हो गए। वास्तव में उनमें से अधिकांश तो आज भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं या फिर दिवालिया हैं। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो आप हैं। क्या आपको कंपनी जगत में फैले भ्रष्टाचार पर गुस्सा आता है? वॉल स्ट्रीट उन बड़े बैंक्स पर जिन्होंने यह सब होने दिया, सरकार पर जिसने इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया या ज़रूरत से ज़्यादा किया, या ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम किए और ज़रूरत से कम सही काम किए? क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है कि आपने अपने भविष्य की बागडोर थामने में इतनी देर क्यों कर दी? जीवन मुश्किल है। अहम सवाल तो यह है कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने और अफसोस करने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, न ही वॉल स्ट्रीट बड़े बैंकर्स, अमेरिकी कंपनियां या सरकार पर दोष मढ़ने से होगा। यदि आप एक ठोस भविष्य चाहते हैं तो आपको इसका निर्माण खुद करना होगा। आप अपने भविष्य की बागडोर केवल तभी थाम सकते हैं जब आपकी आमदनी के स्रोत पर आपका नियंत्रण हो। इसलिए आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ज़रूरत है।